नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। तो सबसे पहले डिफेंस सेगमेंट में बात करेंगे कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को 60,000 प्लस 10 कैटेगरी का क्यों नहीं होना चाहिए, और कोई भी एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी नेवी के लिए उतना एडवांटेजियस नहीं है अगर आप फ्यूचरिस्टिक वॉर सिनेरियो की बात करते हो तो। और इसी डिफेंस सेगमेंट में दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और वो है आकाश एनजी के बारे में, और जानेंगे कि आकाश एनजी मिसाइल किस तरह का मिसाइल है और इसमें कौन कौन से नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, इसकी रेंज क्या होगी, किस तरह से इसका मैकेनिज्म परफॉर्म करता है, तो ये सारी बातें जानेंगे। तो इस डिफेंस सेगमेंट में बढ़ने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस डिफेंस सेगमेंट की तरफ। तो अपने पहले डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी देश के लिए अब एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना जिसका वेट कैटेगरी 60,000 टन से ऊपर का हो वो एक बैड आइडिया क्यों है। क्योंकि अगर कोई भी देश अभी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना शुरू करता है तो वो कहीं ना कहीं जाके 2030 के आसपास ही ऑपरेशनल हो पाएगा, और इस दौरान जबकि अभी से ही सभी देशों के पास जितने भी सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये काफ़ी प्रचलन में हैं, और ये ऐसी मिसाइल्स 2030 के आसपास और भी ज़्यादा प्रचलन में हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए क्या क्या इसके एडवर्स इफेक्ट पड़ सकते हैं उसको एनालाइज करने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ऐसे 5 पॉइंट यहाँ पे जोड़ पाऊँ जो कि इस आर्गूमेंट को सपोर्ट करे। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि कोई भी 60K टन कैटेगरी का या फिर उससे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर टारगेट के लिहाज से सबसे पहला टारगेट होता है दुश्मन देश के लिए, और ये तब और खतरनाक हो जाता है जब आपके दुश्मन देश के पास हाइपरसोनिक या फिर सुपरसोनिक मिसाइल हो। फॉर कंपेरिजन हम ब्रह्मोस को ले लेते हैं, तो ब्रह्मोस जैसी सिर्फ 2 मिसाइल्स एक 60,000 से 65,000 टन कैटेगरी के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने में सक्षम होगी, और वो भी तब जहाँ पे आजकल की जो भी मिसाइल्स हैं उनकी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक लार्ज एयरक्राफ्ट कैरियर बैड आइडिया माना जा सकता है। तो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो दूसरे पॉइंट में अगर आप देखोगे कि 2030-32 तक जितने भी देश हैं जो कि मेजर मिलिट्री पावर्स हैं उनके पास स्वॉर्म ड्रोन आ जाएगा, और वो सारे स्वॉर्म ड्रोन एयर और वाटर दोनों में ऑपरेट करने में सक्षम होंगे। जबकि कोई स्वॉर्म ड्रोन वाटर के अंडर ऑपरेट करने में सक्षम हो जाएगा तो उस तरह की टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करना किसी दुश्मन के सबमरीन डिटेक्ट करने से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और उस केस में वो स्वॉर्म ड्रोन आपके एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकता है और बखूबी उसको डुबाने में सक्षम होगा। और इस तरह के जो ड्रोन्स होते हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ड्रोन्स होते हैं, तो दूसरे पॉइंट के लिहाज से ये पॉइंट भी आप कंसीडर कर सकते हो। तीसरी बात करेंगे रिसोर्स और मनी के इन्वॉल्वमेंट की। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इंस्टेंस अगर आप बात करते हो क्वीन एलिजाबेथ की, तो HMS क्वीन एलिजाबेथ जो कि एक तकरीबन 65,000 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इसको बनाने में कहीं ना कहीं 3 से लेकर 4 बिलियन डॉलर की लागत आई है। अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी हाइपरसोनिक या फिर सुपरसोनिक या फिर स्वॉर्म ड्रोन के निशाने पे आता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर में इन्वेस्ट किए गए जो भी आपके 3 से 4 बिलियन डॉलर रुपीज़ हैं वो तो जाएंगे ही, और इस पे जो लदे होंगे तकरीबन 30 से 35 आप कह लो फाइटर एयरक्राफ्ट, रेडार सिस्टम्स, आइलैंड कंट्रोल सिस्टम, पर्सनल्स, हेलीकॉप्टर्स, तो इन सभी की अगर आप कॉस्ट एवेल्युएशन करते हो तो वो एक ह्यूज अमाउंट होगा जो कि एक बार में ही आप गवा दोगे। तो उस लिहाज से भी ये एक बेनिफिशियल डील नहीं होगी। तो अगर आप चौथे पॉइंट की बात करते हो तो चौथे पॉइंट में हम कंसीडर कर सकते हैं कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर का जो ओवरऑल RCS वैल्यू होती है वो काफ़ी लार्ज होती है, उसको कोई भी रडार कहीं से भी डिटेक्ट करने में सक्षम होता है, तो उस लिहाज से ये किसी भी दुश्मन देश के निशाने पर सबसे पहले आ जाते हैं। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी 60,000 से 65,000 टन कैटेगरी के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना कोई वाइज ऑप्शन नहीं है चाहे वो किसी भी देश के लिए हो। तो इसके लिए कुछ लोगों का कहना ये है तो क्या एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाना चाहिए, क्या कोई देश बिना एयरक्राफ्ट कैरियर के ही रहे। तो इस आर्गूमेंट को काउंटर किया जा सकता है कि अगर आप 3 से 4 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हो एक बड़े से एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए तो आप उतने ही मनी इन्वेस्टमेंट में 2 35 से 40 टन कैटेगरी के एयरक्राफ्ट कैरियर को बना सकते हो जो कि आपको इंश्योर करेगा लेस वल्नरेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी तरफ जो जान और माल की क्षति होगी वो बहुत कम ही स्टेक पे होगी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस आर्गुमेंट को हम कंक्लूड कर रहे हैं कि एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने से अच्छा है कि हम 2 छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर शिप्स मैन्युफैक्चर करें अपने नेवी के लिए। तो इस पूरे आर्गुमेंट को लेके आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोगों के थॉट्स काफ़ी डिफरेंट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे डिफेंस सेगमेंट की तरफ। तो इस दूसरे डिफेंस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि अब जब DRDO अपने नए आकाश नेक्स्ट जनरेशन NG वर्जन के साथ तैयार है इसके टेस्ट को लेके, तो जान लेते हैं कि Akash-NG किस तरह का मिसाइल है और इसमें क्या क्या नए फीचर्स दिए गए हैं, इसकी रेंज क्या है। तो Akash-NG मिसाइल जो कि 2 स्टेज वाले सॉलिड रैमजेट इंजन का यूज़ करता है और इस नए प्रोपल्शन सिस्टम के लग जाने से जो इसकी रेंज है वो अल्टीमेटली बढ़ जा रही है,
जैसे कि आप सब जानते होंगे आकाश जो प्रीवियस वर्जन था उसकी रेंज तकरीबन 30 किलोमीटर थी जो कि ऑपरेशनल रेंज की हम बात कर रहे हैं, और अब जाके आकाश एनजी मिसाइल की जो रेंज है वो 50 से लेकर 55 किलोमीटर तक होने वाली है। और इसके कुछ कंपोनेंट में एडवांसमेंट किया गया है, जैसे कि इसमें लगाया जा रहा है इंडिजिनस RF सीकर, और उसके साथ ही इसका जो रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है उसको अब लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से इन्हेंस किया गया है। इसमें अब कैपेबिलिटी दी जा रही है प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड की, मतलब जो वॉरहेड का सेपरेशन है वो टारगेट के इम्पैक्ट से कुछ दूर पहले ही हो जाएगा। और अब मैं जो इसमें इम्प्रूवमेंट बताने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर का, और इसके एडिशन के साथ ही जो इस मिसाइल की एफिशिएंसी है, स्पीड है और जो लोड कैपेसिटी है वो इंक्रीज होने वाली है। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर करता क्या है, तो ये आपके मिसाइल में जो भी मैकेनिकली मूविंग पार्ट्स होते हैं जैसे कि मोटर्स, उसको ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर का वेरिएशन होता है वो कम हो जाता है, और उसके फलस्वरूप मिसाइल की एफिशिएंसी, स्पीड और लोड कैपेसिटी अपने आप ही बढ़ जाती है। तो बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर बनाने के लिए आपको दो मुख्य कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे। पहला होता है आपका लीड स्क्रू और दूसरा होता है नट। तो इन दोनों के इनकॉर्पोरेशन की वजह से जो मैकेनिकली मूविंग पार्ट्स होते हैं मिसाइल के उनको लीनियर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली इसमें किया क्या जाता है, तो इसमें किया यह जाता है कि आपका जो लीड स्क्रू पार्ट है वो मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है, और जो आपका नट होता है वो आपके मोटर की हेल्प से लीड स्क्रू पे स्लाइड करता है, जिसकी वजह से जो रोटेशनल मोशन होता है मोटर का उसे नट के लीनियर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जिसका परिणाम ये होता है कि जितने भी तरह के डैम्पिंग वाइब्रेशंस होते हैं उन्हें कंट्रोल कर लिया जाता है, जिसका फलस्वरूप होता है एनर्जी कम लॉस होती है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इन शॉर्ट अभी इतना ही बात करते हैं, बाकी बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। इसमें लगाया गया है डुअल पल्स रॉकेट मोटर, और आकाश एनजी की जो सिग्नल प्रोसेसिंग और गाइडेंस सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव किया गया है, जिसकी वजह से जो मिसाइल पे ऑपरेटर की रिलायबिलिटी है और इसका जो परफॉर्मेंस है वो दोनों बढ़ जाते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि किसी भी जैमिंग वाले वातावरण में इस तरह की मिसाइल को जैम करना मुश्किल हो जाएगा। सो आकाश एनजी मिसाइल एक कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया जाएगा, और इस कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम में तकरीबन 6 आकाश एनजी मिसाइल का इनकॉर्पोरेशन आपको देखने को मिल सकता है DRDO की तरफ से। वैसे तो आकाश 1 मिसाइल भी एक कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल है, लेकिन उसमें क्या होता है, वहाँ पे मिसाइल को लॉन्चर पे माउंट करना पड़ता है बिना कैनिस्टर के साथ, जिसकी वजह से रीलोडिंग में टाइम जाता है और पूरा ऑपरेशन काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और आकाश एनजी मिसाइल में लगने जा रहा है इंडिया का इंडिजिनस ISA मल्टीफंक्शनल रडार सिस्टम। सो अब इस मिसाइल में लगे ISA रडार की वजह से ये मिसाइल सर्च, ट्रैक और फायर कंट्रोल, ये 3 डिफरेंट रडार का जो ऑपरेशन है वो एक ही डिवाइस से कर पाएगा। जैसा कि आप सब जानते होंगे प्रीवियस वर्जन आकाश 1 जो कि एक PISA रडार यूज कर रहा था, राजेंद्र रडार, जिसकी सेंसिटिविटी और रिलायबिलिटी उतनी उम्दा नहीं है एज कम्पेयर टू ISA रडार, तो अब आकाश एनजी ISA रडार यूज करने जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि अपने टारगेट को पहले ही डिटेक्ट कर लेगा, और इसका परिणाम ये होगा कि इसके पास जो रिएक्शन टाइम होगा वो ज़्यादा होगा और ये जल्द ही रिएक्ट कर पाएगा और किसी भी तरह के प्रोमिनेंट अटैक को इंटरसेप्ट करने में सक्षम होगा। और आकाश एनजी का जो ISA रडार है वो इसको मल्टीपल टारगेट के साथ इंगेज करने की सलाहियत देगा। सो टेक्निकली ये आकाश एनजी मिसाइल अब हर तरह के शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा। और इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आकाश जो 1S मिसाइल था वो एक इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम का पार्ट था, ठीक उसी तरह आकाश एनजी मिसाइल भी इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम का पार्ट होने जा रहा है, जो कि इंडिया के जो एयर डिफेंस है उसमें एक और स्टार ऐड करेगा। तो इसको लेके आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी ये बस लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।